एक रह जा मैं तेरी दीवानी रे अफसोस तुझे है। है वे लोग गाइस, कितना प्यारा लग रहा है बच्चा लोग, सब रेडी है प्रोग्राम के लिए। सो फाइनली हमारा डीसी मैम रीच्ड हियर। मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग मैम। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बॉय प्रीतम, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर प्रीतम। होप सो आप लोग जहां भी होंगे ताबड़तोड़ मस्ती करेंगे और बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो आज का वेदर चेकआउट करो गाइस, वैसे ही वेदर है क्लाउडी सा, थोड़ा मोड़ा बारिश दे रहे हैं। तो सुबह सुबह मैं जाके क्लास किया, क्लास करके आज यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। एक्चुअली सेंट पैट्रिक स्कूल में एनुअल डे फंक्शन होने वाला है, तो वहाँ पे मुझे इनवाइट किया है। तो वहाँ पे एक्चुअली हमारे डीसी मैडम चीफ गेस्ट आने वाले हैं, साथ में एसपी सर माइट भी होंगे, हमारे एडीसी सर और जितने भी डेलीगेट्स है सब आने वाले हैं एनुअल डे फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो मुझे भी इन्वाइट किया गया, तो मैं भी जाऊँगा और चलो ब्लॉग भी बना लेते हैं वहाँ पर जाके। तो इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। और मिलते हैं फिर जाके सेंट पैट्रिक स्कूल में, चलिए चलते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना DSLR वीएसएलआर सब कुछ ले लिया और चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस फाइनली वी रीच सेंट पैट्रिक स्कूल, हैव अ लुक। ये हमारा सेंट पैट्रिक स्कूल है जो डाम्बुक हाईवे के पास में ही है और यहाँ पे एनुअल डे सेलिब्रेशन होने वाला है आज। बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, सब तैयारी अच्छा खासा चल रहा है यहाँ पे। तो हमारा डीसी मैम इज गोइंग टू अराइव विद इन फ्यू कपल ऑफ मिनट्स। ये अपना क्लासेस है और यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है एक्चुअली। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पे, यू कैन सी हियर। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बारिश गिर रहा है, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट भी है, तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। कितना प्यारा लग रहा है बच्चा लोग, सब रेडी है प्रोग्राम के लिए। सारे बच्चे बिहाइंड द नेट जा रहे हैं, जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा वहाँ भी बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। काफ़ी कलरफुल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, प्रीटी ऑसम। दिस इज सेंट पैट्रिक स्कूल डाम्बुक। और यहाँ पे भी काफ़ी बच्चे, आर यू पीपल आर एक्साइटेड, से लाउडली यस। ओके, देयर वाज जेपीसी सर, थोड़ी बार अंकल रीच हियर, क्लैप क्लैप ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर, पहले सबको तो नमस्कार। सो फाइनली हमारा डीसी मैम रीच्ड हियर। मॉर्निंग मैडम, मॉर्निंग मैम। खराब है, फिर भी मुझे खुशी है कि हमारे पेरेंट्स एंड डेफिनेटली हमारे सपोर्टिंग स्टाफ और बहुत सारे लोग हमारे साथ में आज के इस दिन को शुभ बनाते हुए आगे चलते हैं। बच्चे लोग मेरे से कभी कभी पूछते हैं रियाज में समटाइम्स व्हाट इज द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, समटाइम्स दे फील दैट शी और ही इज द पुलिस पर्सन, दे हैव नो आइडिया। सो आई टेल यू माय डियर चिल्ड्रन, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इज द हेड ऑफ द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एंड शी और ही हैज अ पर्टिकुलर रोल ओवरसीइंग सो मेनी डिपार्टमेंट्स एंड मेनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड मेनी अदर थिंग्स एंड शी विल बी एबल टू टेल यू द राइट थिंग। एंड when I approached to her, she was kind enough to accept our invitation and be here. So with on behalf of my staff here, the parents and the students and the supporting staff, I would like to call upon our madam Soumya Saurabh, IAS DC madam, on the stage to welcome her. Let us put our hands together and we welcome her. And with a colorful umbrella also, we welcome her so that this life, which is full of colors, may always be with you and you enjoy your stay in Dambuk, in Roing and in our state. Welcome, madam. Thank you.
Now I would like to welcome our guest of honor, and definitely he is none other than our Sir Tony Borang. We welcome. And same thing, we welcome you with a colorful umbrella, so that our life, which is full of colors, ups and downs and everything, and we enjoy our life. Thank you and welcome, sir. Good morning to everyone, respected chief guests of the function, Deputy Commissioner Lawang Dribang Belly, Ma'am Samia Sorubji, Father Daniel, who is principal of the school, Apex Bank Manager Dambu, public leaders, parents and guardians, teaching staffs of the school, and my beloved children. मुझे बहुत खुशी हो रहा है हमारा डांबुक में एक सेंट पैट्रिक स्कूल के नाम से स्कूल यहाँ एस्टैब्लिश किया गया है, जो कि सबसे साफ सुथरों डिसिप्लिन एक स्कूल है एमोंग स्कूल एस्टैब्लिश इन डांबू। ऑनरेबल जिला परिषद चेयरपर्सन श्री टोनी बोरांग जी, प्रिंसिपल ऑफ सेंट पैट्रिक स्कूल, टीचर्स, डियर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड द गेस्ट हु हैव कम टू अटेंड द एनुअल डे ऑफ द school today. First of all, I would congratulate the school management for organizing this event, and thanking all the students who have taken part in the school's function. सबसे important चीज़ है बच्चों discipline, और वो teachers और parents आपको strictness के साथ you know बोल सकते हैं कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो, बट करना नहीं करना आप लोगों के हाथ में है, वो चॉइस वो डिसीजन आप लोगों को लेना है। चाहे हम किस भी एज में हो, डिसीजन मेकिंग एक ह्यूमन बीइंग की एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट है। द अर्लियर यू डिसाइड दैट व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ, बाय व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ आई डू नॉट मीन
कि आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है या एक आर्मी ऑफिसर बनना है या एक टीचर बनना है या एक फार्मर बनना है, बट आप आपकी लाइफ किस तरीके से देखते हो, क्या चाहिए आपको फ्यूचर में आपकी लाइफ में, क्या आपको एक बहुत ही सिंपल लाइफ चाहिए या यू वॉन्ट टू अर्न अ लॉट ऑफ फेम, आपको बहुत नाम चाहिए आगे जाके, या आपको बहुत पैसा कमाना है। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि आप कौन सा करियर पाथ चुनेंगे, आपका ड्रीम क्या है। जो कुछ स्टूडेंट्स ने अभी थोड़ी देर पहले गाना गाया था, आई हैव अ ड्रीम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल हैव अ ड्रीम, क्योंकि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई ऑल्सो हैड अ ड्रीम, आई हैड अ ड्रीम टू लीड। मेरा ड्रीम था मैं एक लीडर बनूं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करूं। मुझे नहीं पता था कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो कहाँ पर होगा, कंट्री में होगा, कंट्री के बाहर होगा, बट दैट वॉज माई ड्रीम टू बिकम अ लीडर एंड यू नो टू कमांड पीपल। वो मेरा ड्रीम था, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, बट आई एम हैप्पी कि मैं उस ड्रीम को बहुत हद तक पूरा कर पाई हूँ और उसके साथ अब मैं जी रही हूँ। शायद इसी ड्रीम ने मुझे डेली सोने से पहले, आई एम श्योर सारे बच्चे सोचते हैं कि क्या होगा, छोटे होते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ये गेम खेलना है, ये कार्टून देखना है। जैसे मेरी बेटी, शी इज 3.5 years old, बट बच्चे खेलते हैं, कार्टून देखते हैं, तो नींद में भी बच्चों को बोलने की आदत होती है ना, तो शी विल से कि मम्मा ये कार्टून चलते चलाओ, ये कार्टून चलाओ, रिमोट मुझे दे दो। तो हमारे दिमाग में सब कॉन्शियसली चलता रहता है कि हमको क्या करना है, और वो एक एज स्पेसिफिक चीज है, हर एज में डिफरेंट चीजें आती रहती है। छोटे होते हैं तो कौन सा कार्टून देखना है, कौन सी चॉकलेट खानी है, थोड़े बड़े होते हैं तो क्लास में कैसा परफॉर्म करना है, या पेरेंट्स की बात माननी है नहीं माननी, या फ्रेंड्स के साथ जाना है नहीं जाना है। हर एज के साथ हमारे जो थॉट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। आप लोगों को हमेशा ऐसे बिहेव करना चाहिए जैसे आपको कोई नहीं देख रहा हो, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हम देख रहे होते हैं तो हमारे एक्शंस बहुत कैलकुलेटेड होते हैं, बट जब कोई हमें नहीं देख रहा होता तब हम अपने फ्री सेल्फ में होते हैं। तो हमारा फ्री सेल्फ ऐसा ही होना चाहिए, चाहे हम किसी के सामने हो चाहे हम किसी के सामने नहीं हो, वो सेम हो। ये बहुत डिफिकल्ट है करना, बट टू एन एक्सटेंट आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट, और आई एम टेलिंग यू के लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है, आपको कभी एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक ऑफिसर हूँ, आई हैव टू डील विद माई सीनियर्स, विद माई सबऑर्डिनेट्स, विद लॉट ऑफ पीपल हु कम टू माई ऑफिस, बट वन थिंग विच आई ऑलवेज फॉलो इज कि मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सब लोगों को समझनी है। इसीलिए चाहे मेरे सीनियर हो चाहे मेरे जूनियर हो, आई मे बी रॉन्ग, बट मोर और लेस सबका सिमिलर सा ओपिनियन होगा। मेरे सबऑर्डिनेट्स के साथ भी मैं बदतमीजी से बात नहीं करूंगी, ऑब्वियसली सीनियर्स के साथ तो कोई भी नहीं करता है, बट आई इंश्योर कि एक ह्यूमन बींग को, जो बेसिक ह्यूमन बींग की एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है ना, कि एक फेलो ह्यूमन बींग को डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट विल टेक यू अ लॉन्ग वे। एक आईएएस ऑफिसर बनने से या एक हाई कमांडिंग पोजिशन पे पहुंचने से आप रिस्पेक्ट कमांड नहीं करते हो, यू हैव टू अर्न इट विद योर एक्शंस एंड विद योर वर्ड्स। तो सारे बच्चे प्लीज इस बात को आप ध्यान रखें, लाइफ में कुछ भी बनो बट हैव रिस्पेक्ट फॉर योर फेलो सिटीजन्स, हैव रिस्पेक्ट फॉर योर फेलो कोलीग्स, क्योंकि किसी दूसरे के को नुकसान पहुंचा के अगर आप आगे पहुंचोगे भी ना, इट विल नॉट रियली हेल्प यू, एंड either our good work or our bad work, we get the either reward or punishment for it, that is true. Parents से मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखिए, मैं आपके सामने खड़ी हूँ क्योंकि मेरे parents ने मुझे support किया है थ्रू आउट माई academic phase. कभी मेरे parents ने मुझ पर pressure, किसी भी तरह का pressure नहीं डाला, ना मुझ पर कोई मुझ पर expectations लगाई कि तुम ये करो या तुम वो करो, क्लास में फर्स्ट क्यों नहीं आती हो, या क्लास में स्कूल में एग्जाम में फेल क्यों होते हो। दे हैव नेवर आस्क्ड मी। ऑब्वियसली डांट जरूर पड़ती थी अगर होमवर्क नहीं किया हो या टीचर ने पेरेंट टीचर मीटिंग में कुछ बोला हो, बट माय पेरेंट्स हैव नेवर यू नो डिमीन्ड मी या मुझे डिमोरलाइज कभी भी नहीं किया। बहुत जरूरी है कि बच्चों को एक
सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए घर में पढ़ाई करने के लिए, उनको ये एश्योरेंस दिया जाए कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे तुम कुछ भी करो लाइफ में, बाय कुछ भी करो। बच्चों को ये समझना चाहिए कि कोई गलत काम ऑब्वियसली नहीं करना है, उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा भी नहीं और मिलना भी नहीं चाहिए पेरेंट्स का। आप गलत काम के लिए जरूर टोकिए, बट एक लिमिट होती है बच्चों को भी, और स्पेशली आज के टाइम में जब इतना एक्सपोजर है, हमारे बच्चे बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, तो एक तरीका है कैसे आप बच्चों के साथ डील करें और उन्हें मोटिवेट भी रखें और आगे भी बढ़ने के लिए और ज्यादा आप लोग प्रोत्साहन दें। A few inches later. शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है, दिल किश है, दिल दूर नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नहीं जाना, प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैडम और सर लोग सब जा रहे हैं, मैडम अभी सरकार आपके द्वार जाएंगे। तो यहाँ पे सरकार आपके द्वार आज कंडक्ट किया गया है डामबुक ओल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल में। वाटर डिपार्टमेंट, एवरी डिपार्टमेंट, यहाँ पे अपेक्स बैंक है, एग्रीकल्चर,
हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और यहाँ हमें हमारे डीसी मैडम विजिट करने आए। 3 hours later तो भाई साहब फाइनली घर आके पहुंच चुके हैं। रात का 9 बज रहा है गाइस, चेक आउट करो, रात का 9 बज रहा है अभी और जस्ट मैं अभी घर आके पहुंचा हूं। सारा दिन मैं बाहर था, आज पता है जैसे आपने ब्लॉग में देखा सेंट पैट्रिक में था, सरकार आपके द्वार में, फिर क्लास गया, क्लास वास करके घर पे आया, बहुत ही ज्यादा थक चुका हूं, पर घर आके बहुत सुकून मिला क्योंकि घर आके देखा कि यहां चिकन बन रहा है। मैं एक फूडी बंदा हूं तो खाना बहुत पसंद करता हूं, तो आके थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया मुझे। और यार देखिए क्या बन रहा है, ये देखिए चिकन, चिकन बन रहा है चिकन, तो इसे भी खाएंगे जबरदस्त से। तो फिलहाल चलते हैं, थोड़ा फ्रेश वेश हो लेते हैं, उसके बाद डिनर में आपसे मिलते हैं। गाइस हैव अ लुक, ग्रेवी चिकन खाएंगे, अभी खाएंगे। ये चिकन जो इसमें पथरी वथरी सब है, चकना वाला मटेरियल जो है, तो मुझे ज्यादा पसंद है सही वाला। खा लेता हूँ गाइस, फिर मिलते हैं अंदर से, तो खा लेता हूँ गाइस, फिर मिलते हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, इट लिटिल बिट लॉन्ग, लेकिन मैंने कोशिश किया सारा चीज आपको दिखाने की, कैसे हमने सेलिब्रेशन किया सेंट पैट्रिक में एनुअल डे को और कैसे मैंने अपना दिन को स्पेंड किया। तो मिलते हैं फिर से एक नए दिन में एक नए ब्लॉग के साथ, अब तक के लिए खुश रहिए, अपने मन के करे और अपने दिल के स्ने। दिस इज अ बॉय प्रीतम साइनिंग आउट, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।